second. छह रुपए वो यार कम है ना ये एंड इसमें फोन करना पड़ेगा 6 9 7 आपको जितना है 7 यार Machine Dolphin Analysis यहाँ पे डालना है 3 4 extension फिर डालना है 2 3 DAC enter अब यहाँ से जाना है add station 3300 यहाँ पे 4602 प्लस ठीक है सिक्योरिटी कोड हाँ यही नेम कुछ भी दे दो एंटर डुप्लीकेट स्टेशन 3300 3301 कुछ भी नाम दे दो 3301 एंटर अब यहाँ पे करो चेंज नोट नेम हाँ पहले चेक कर लो ना यहाँ पर आ जाओ करो यार क्या कहते हैं चेंज नोड नेम आईपी पीबीएक्स अंडरस्कोर सीओ 192.10.10.2 एंटर अब करो ऐड ट्रंक ग्रुप 39 यहाँ पे ऊपर आएगा आईएसडीएन टैग आएगा 239 H.323 क्या किसमें कैरियर मीडियम हाँ कैरियर मीडियम H.323 डायलेक्सिस वाई और ट्रंक सर्विस टाइप टाई इसको एंटर कर दो अब करो ऐड सिग्नलिंग ग्रुप 39 ग्रुप टाइप H.323 ट्रंक ग्रुप चैनल सिलेक्शन 39 फार एंड नेटवर्क रीजन इज 1 फार एंड नेटवर्क रीजन पहले 1 कर लो ठीक है फिर ये दोनों वाई कर दो ये वाई कर दो ये दोनों वाई कर दिए एक मिनट एक सेकंड हाँ वाई वाई करा वाई उसके बाद लेयर 3 वाई करा कर दिया वो सब मैंने कर दिया ठीक है अब यहाँ पे दो प्रॉकर ये दो 6 9 2 3 अच्छा वो एग्ज़ाम में क्या करेगा इसमें कंफ्यूज करेगा तुम्हें ठीक है कुछ भी कंफ्यूजन दे तुम्हें ऐसे ही चलना है यहाँ पे बाद में तुम्हारा पार्ट नंबर आएगा 9 हमेशा पहले आएगा वो कंफ्यूज करेगा इसमें वो कहेगा फार एंड ए नियर एंड ए पर तुमने वो चीज नहीं करना जो यहाँ पे प्रैक्टिस करके जा रहे हो बिल्कुल इसी तरीके से रखना यहाँ पे 9 आएगा यहाँ पे 3 आएगा यहाँ पे 6329 बाकी सब सेम है अब यहाँ पे एंटर कर देना हाँ हाँ एंटर करो अब करो चेंज ट्रंक ग्रुप 39 इसके जाओ आगे पेज पे 5 पे ये सेम है हाँ ये सब सेम है ये हम अभी कर चुके हैं ना ऑलरेडी 5 पे जाओ यहाँ पे करो आईपी 39
IP39 चार पर एंटर कर दो। अब करो चेंज कोर वन, इसको नन करो आउटपुट में। अब कॉल करो 239 टैग दबा के पहले, और अभी मेरे को ट्रंक ट्रंक को रिलीज इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इसको अपना रिलीज करो, ठीक है। अब डालो 239 8100। चलो ये हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चेंज डायल पिन एनालिसिस 84 UDP। अब एंटर कर दो चेंज यूनिफॉर्म डायल प्लान 0 8400 0 और नेट में डालो AAR। एंटर करो, अब करो चेंज AAR एनालिसिस 0, यहाँ पे करो 84 39 AAR, ठीक है। इसको एंटर करो, चेंज राउट पैटर्न 39, यहाँ पे दो कुछ भी दे दो, ABC ग्रुप नंबर दो 39, FRL 0, NPA 519 है इस स्पॉट का, स्पॉट का, और उसके बाद दो प्रीफिक्स 0 और इसको एंटर कर दो। अब कॉल करो वहाँ से 8100। ठीक है, अब करो, अब हम क्या कर रहे हैं, वर्जन 3 डाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐड करो DS10013, अब इसके अंदर करो नेम को कुछ भी, यानी लाइन कोडिंग को चेंज करो, सबसे पहला काम ये करना है यहाँ पे। इसको करो B8ZS, कर दिया चेंज, कर दिया नहीं किया B8ZS, उसको एंटर किया B8ZS। हाँ, बाकी चेंजेस क्यों नहीं आया? सिग्नलिंग मोड में क्या है, सिग्नलिंग मोड को करो ISDNTR है, ठीक है। कनेक्ट को करो PBX, DCP को करो स्पीच 31 kHz को चेंज करके स्पीच करो, इसको एंटर कर दो। ओके, अब यहाँ पे करो एड फ्रंट ग्रुप 1, ग्रुप टाइप को करो ISDN, डायल एक्सेस को करो Y, आउटगोइंग को करो Y, टैग को करो 299, कैरियर मीडियम, सर्विस टाइप को करो टाई, बाकी सब सेम रहेगा। नेक्स्ट पेज पे जाओ, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे करो इंसर्ट को 9, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाओ, मेजर को करो इंटरनल, सेंड नेम को करो वाई, और सेंड कॉलिंग नंबर को करो वाई, बंद कर दो। अब करो ऐड सिग्नलिंग ग्रुप 1, प्राइमरी डी चैनल करो यहाँ पे, एक सेकंड, प्राइमरी नहीं नहीं रुको रुको, इसको ये जो था वही रखना है, हाँ प्राइमरी डी चैनल को करो यहाँ पे 001B324, यहाँ पे ट्रंक ग्रुप फॉर चैनल सिलेक्शन को करो 1, ठीक है। अब एंटर करो, अब जाओ चेंज ट्रंक ग्रुप 1 पे, पेज 5 पे जाओ, इसके यहाँ पे लिखो 001B301 और सिग्नलिंग ग्रुप को करो 1, जो भी हमने बनाया है इससे पहले, ठीक है। नंबर
बस बंद करो अब वहाँ से 299 टैग दबाओ देखो चेक करो चल रहा है कि नहीं चल रहा है 299 टैग चल रहा है ठीक है अब हमें ऑपोजिट का लैंडलाइन नंबर डायल करना है बताओ यहाँ से चेक करो अपने ऑपोजिट का नंबर नहीं नहीं 1 डायल करके करना होता है हमेशा क्योंकि आप लॉन्ग डिस्टेंस कॉल कर रहे हैं 219 अब 1 डायल करो अब उसका नंबर डायल करो 519 हमारा खुद का ही है यार ओके किसी और का और 2 का करो डायल ओके 216-302-3100 नहीं आपने गलत नंबर ये वाला नंबर ये वाला नंबर एमटीएन ये वाला 2102 वाला लोकल नंबर ये दिखाओ वीडियो में ये दिखाओ हां लोकल नंबर हमें डायल करना है यहां से ठीक है ओके किसी का भी कर देते हैं हां 1 416-302-2201 ठीक है इसका लोकल नंबर डायल हो गया हम्म इसके बाद करना है हमें सॉरी इसके बाद करना है अब हमें चेंज डॉल्फिन एनालिसिस डॉल्फिन एनालिसिस ओके यहाँ पे 91 फैक फीचर एक्सेस कोड कर दिया हमने ऐड ठीक है हाँ एंटर ओके चेंज फीचर एक्सेस कोड ERS में जाके 9 कर दो एंटर करो चेंज राउट पैटर्न टू ना ये नया राउट पैटर्न दिया इसका कोई भी नाम देंगे यहाँ पे ग्रुप में डालो 1 FRL 0 NPA 519 प्रीफिक्स हम 1 ले रहे हैं इसमें ठीक है अब करो हाँ बंद करो यार अब करो चेंज ERS एनालिसिस 0 यहाँ पे हाँ यहाँ पे डालो 911 आगे डालो 3 फिर 2 इसकी स्टाइप है इमरजेंसी EMER ठीक है अब वहाँ से डायल करो फीचर एक्सेस कोड यूज़ करो 9 इधर जाओ और डायल करो 911 ठीक है ये हो गया अब हम एक FNPA डाल के देख लेते हैं फॉरेन नंबर ठीक है चेंज ERS एनालिसिस 0 यहाँ पे डालो 1905 11 11 राउट पैटर्न 2 FNPA एंटर वहाँ से 9 डायल करो 1905 वाला नंबर डायल करो नंबर बताओ 3107-3100 कौन सा नंबर डाल दिया है किसका ID नहीं नहीं ये वाले ये देखो फिर से दिखाओ ये वाले लोकल नंबर हाँ बोलो 905-91-905-307-2701 ओके ठीक है ये डायल हो गया अब लास्ट स्टेप है हम ठीक है इसमें क्या करना है चेंज इंक्रीमेंट टैब हाँ ये डाल देना है फिर इसके बाद ट्रंक ग्रुप हाँ ट्रंक ग्रुप 1 लेना है हमें ठीक है यहाँ पे जाके 10 डालो नंबर का यहाँ पे 519 लो ठीक है 10 डालो और यहाँ पे डालो अपना 3301 है ठीक है इसको एंटर कर दो ओके वहाँ जाके 519 वो दिखाओ वहाँ दिखाओ नहीं नहीं पहले इधर आओ इधर तो 519 का ये वाला नंबर कोई भी डायल करो ये वाले नंबर्स ओके उधर जाओ नंबर 319-303-3100 इधर दिखाओ ठीक है एक ही बार रिंग होगा आप एक बुके और ये लेके आओ आप खाना खिला रहे हो आप एक बुके और